यहाँ पर जो फो बॉक्स है वो आपको बिल्कुल देखने को मिलता है Xiaomi के Redmi लाइनअप वाला, बिल्कुल रेड कलर का यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ चाइनीज में Redmi 6 Pro। नीचे कुछ बेसिक की हाईलाइटिंग फीचर्स हैं जैसे कि 5.84 इंचेस के फुल HD प्लस डिस्प्ले 19:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ, 4000mAh की बैटरी और डुअल रियर कैमरा सेटअप। और फोन के बैक की तरफ बढ़े तो फोन के बैक में भी आपको की हाईलाइट देखने को मिलती है। Redmi 6 Pro पीछे लिखा हुआ है छोटा छोटा। यहाँ पर जो है रैम और रोम वेरिएंट वो है 4GB 64GB। बाकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि 332 432 और 464GB वाले वेरिएंट्स जो है, ये तीन वेरिएंट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह वही 5.84 इंचेस की डिस्प्ले, 4000mAh की बैटरी, हाईलाइटिंग फीचर्स पीछे लिखे हुए हैं, डुअल रियर कैमरा सेटअप। और बॉक्स में कोई ज़्यादा खास नहीं है। खोलते हैं बॉक्स को, तो ओपन करते हैं बॉक्स को। और बॉक्स को ओपन करते ही आपको सबसे पहले ऊपर अपना डिवाइस यानी कि Redmi 6 Pro देखने को मिल जाता है। जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है फिलहाल के लिए, इसे थोड़ा साइड पर रखते हैं। नीचे जो फ्लैप है उसे हम ज़रा उठाते हैं और खोलते हैं, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है एक सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट केस, साथ ही साथ कुछ पेपर वर्क, जिस पेपर वर्क में कुछ नहीं वही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वारंटी और यूज़र मैनुअल वगैरह। यहाँ पर एक पिक्चर बने जैसे कि आपको ये तो अंदाज़ा हो ही गया कि ये फ़ोन जो है वो आपको मिलेगा डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट के साथ, यानी आपको दो नैनो सिम कार्ड्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड तीनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करने की फैसिलिटी मिलने वाली है इस फ़ोन में। बाकी जो फ़ोन में चीज़ें हैं वो है एक माइक्रो यूएसबी केबल और साथ ही साथ चार्जिंग एडेप्टर है जो कि है 5V 2A का, साथ ही साथ यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन भी है। और बाकी यही चीज़ें होती हैं यार फ़ोन में। और बाकी जो डिवाइस की तरफ जो बढ़ते हैं हम लुक की तरफ, तो यहाँ जो फ्रंट में आपको मिलते हैं 5.84 इंच की 19:9 के एक्सपेक्ट रेशियो वाली नॉच वाली डिस्प्ले, स्पेशली मेंशन करना ज़रूरी है, नॉच वाली डिस्प्ले आपको पहली बार Xiaomi के किसी डिवाइस में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बैक के तरफ शिफ्ट हों हम तो यहाँ पर जो फ़ोन है वो बिल्कुल मतलब Redmi Note 5 Pro से मैच करता है। बैक में वही सेम रियर कैमरा सेटअप, डुअल वाला कैमरे हैं पीछे और आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर उसी जगह पे। बट यार हम साइड वाइज अगर कंपेयर करें दोनों फोन्स के बैक को, तो यहाँ पर जो ये जो फ़ोन है अपना Redmi 6 Pro वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ऐसा इस वजह से क्योंकि ऊपर की जो बेजल है वो ऑलमोस्ट जो है एलिमिनेट हो चुके हैं, तो ऐसे में फ़ोन के ऊपर की बेजल चली गई तो फ़ोन जो थोड़ा हाथ में पकड़ने में कॉम्पैक्ट होने वाला है, ईजी टू यूज़ होने वाला है। मैं Redmi Note 5 Pro पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर जो फ़ोन को एक हाथ से यूज़ कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालाँकि मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन आमतौर पर ये फ़ोन काफ़ी बड़ा हो जाता है हाथ में। तो ये Redmi का 6 Pro आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट फील दे सकता है हाथ में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही अगर हम बात करें सिम ट्रे की, तो मैं आपको ज़रा सिम ट्रे ओपन करके दिखाता हूँ। ये सिम ट्रे है वो है डेडिकेटेड सिम ट्रे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दो नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड, तीनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली इसमें यूज़ कर पाएंगे। और बस आप फ़ोन की फ्रंट की तरफ बढ़ते तो ज़रा इसकी प्लास्टिक को रिमूव करते हैं, तो फ़ोन जो है उससे करते हैं बूट, जिसे बूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। फ़ोन को सेटअप करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और तो चलते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में। तो यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा Redmi 6 Pro जो कि इस फ़ोन का नाम है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है MIUI 10 जो कि Xiaomi का लेटेस्ट अपने ऊपर खुद का कस्टम UI है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा Android 8.1 Oreo जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है इस फ़ोन के थ्रू, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर जो है। बाकी आपको 2.0GHz का एक Snapdragon 625 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये फ़ोन एक बजट फ़ोन है, यहाँ पर 625 ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड करें Xiaomi तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 4 में, Redmi Note 5 में आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, तो ये मतलब काइंड ऑफ एक बेसिक सी चीज़ हो चुकी है नए फ़ोन्स में, कुछ एक नया प्रोसेसर मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली बात में शायद हो सकती है डील ब्रेकर, जो बात ये है वो ये कि फ्रंट में आपको सिर्फ एक 5MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। बट ये Redmi से लाइनअप जो है फ़ोन Xiaomi का वो एक बजट फ़ोन है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉच वाले डिस्प्ले आपको अच्छी देखने को मिलती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले, 19:9 की एक्सपेक्ट रेशियो वाली, पीछे बैक में 12+5MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो यहाँ मतलब ओवरऑल पैकेज जो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा बजट में। लेकिन फ्रंट कैमरा जो है वो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आपको फ्रंट कैमरा चाहिए तो आप Redmi का Y2 की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं या किसी और फ़ोन की तरफ, लेकिन फ्रंट कैमरा के लिए ये फ़ोन आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ओवरऑल फ़ोन जो काफ़ी मतलब स्मूथ चल रहा है फिलहाल तो, और जो है आपको iPhone 10 वाले जेस्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब बाकी सभी कंपनियां अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर सभी ने अपने जेस्चर्स लगा दिए हैं, या ओप्पो हो, वीवो हो, यहाँ पर Xiaomi भी इसी जगह चढ़ चलोगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर कीज़ को हटाना एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रीन का यूज़ हम अगर अपने फ़ोन के डे टू डे लाइफ में कर पाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर जेस्चर्स काफ़ी अच्छी चीज़ है।
और बस इसी वीडियो में बस इतना ही है। यहाँ पर फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्नैपड्रैगन 625 आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, बजट रेंज में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है मेरे हिसाब से। और बस आज की वीडियो में इतना ही, यही थी अनबॉक्सिंग इस फोन की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपकी वीडियो पसंद है डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक करें, मैंने कहीं मत जाएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।